नमस्कार, मैं शशांक, आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रोल्ट वाला मामला, रोल्ट 51,661 रुपये मेरी नीरेश के पास सील रखी हुई थी, इन्हें निकाल लिए और रोल्ट में काम भी नहीं करा। मुझे तो जब पता लगा कि मेरे पास इंजीनियर ने नोटिस भेजा, फिर मैंने लिखित सीओ साहब को दिया। नीलेश ऑफिस में बैठते हैं, उनके पास सीट रखी थी मेरी। हाँ, ग्राम पंचायत की डिजिटल वाली सीट थी मेरी। हाँ, वो डिजिटल वाली थी। हाँ नहीं, वो हाँ नहीं साहब, ना तो उसमें मेरा वो आता कोई टोकन नंबर, कुछ भी नहीं आता। उसे पता ही नहीं पड़ता कि डिजिटल साइन मेरे कब हो गए। अच्छा, उसमें अब बुक कर लिया होगा, जब कर लिया होगा, मगर मुझे तो अभी जो पता पड़ा तो मैंने सीओ साहब को लिखित में दी है कि साहब ये चीज है मेरे पास, मैंने लिखित में शिकायत भी की। आपके संज्ञान में जो आया है 51,000 रुपए आपके बिना बताए निकाले गए, किसके द्वारा निकाला गया है? सचिव के द्वारा, किशन पाल। अभी इनके कोई कार्रवाई हुई? साहब लिखित में दी है, अब कार्रवाई इनके कर्मचारी के हाथ में, सीओ साहब क्या कार्रवाई करते हैं। जो पैसा निकाला गया उस पैसे के द्वारा काम किया गया कि नहीं? वो मेरे का जो लेटर मिला उसमें तो कोई काम नहीं रखा है उसमें। तो आपको हाँ मैंने तो, हाँ कोई कार्य नहीं किया गया। किस कार्य के लिए निकाला गया था वो? सीसी रोड बनाने। कहाँ से कहाँ तक का था? राजू घर से तो मोहन की घर। कितना बड़ा था ये? छोटा ही रोड था, 27,000 का रोड था, 1,27,000 का रोड था, कुल 151,600 निकला। हाँ उसमें ये निकला। तो बाकी राशि अभी निकली कि नहीं? अभी नहीं निकली। अभी नहीं निकली। जो पैसा निकला है उसका कोई काम नहीं किया गया? उसका कोई काम नहीं करा, कुछ भी नहीं पैसा खर्चा किया। अब थोड़ा बहुत कर दिया होगा उनमें, खर्चा नहीं तो खर्चा नहीं करता उसने। भाई लेटर में तो राशि में यही लिखा कि एक भी पैसे का काम नहीं करा। लेटर जो सीओ साहब वो मेरे पास भिजाया है इंजीनियर ने, उसमें ये लिखा कि एक पैसा का काम नहीं करा उसने। नहीं और रोजगार गारंटी से तालाब खुदे दो, जो तालाब खुदे हैं तालाब उनमें इनने मटेरियल भेज दिया किशन पाल। क्या क्या था मटेरियल? मटेरियल में बोल्डर निकले थे उसमें। इसको बेचा गया? अब वो तो रात में कहाँ बेचते क्या करते हैं वो तो, और अभी आपको नहीं बताया गया। पटवारी साहब को लेके भी गया, पटवारी साहब ये चीजें रुकवाओ यार, ये चीज़ बोले तो किसी कारण में बोल्डर निकल रहे थे। हाँ किसी को भी पता नहीं चला। हाँ उसका पता नहीं है ये। हाँ हाँ मनरेगा थे वो, तो जॉब कार्ड डारी भाई, वो तो मजदूरों के पास पहुँचा। मगर जो मटेरियल गया है वो मटेरियल तो पार पे डलना थी, पार पे डलना था। वो सीओ साहब को भी बताया था मैंने, मगर मोखादी बताया था वो सीओ साहब इसको रुकवाए। हाँ जांच करी ना उनने कामों की, जांच की मेरे का कोई प्रतिलिपि भी नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला भी भैया अब इस समय जांच का मैंने मांगे कागज, भैया RTI के तहत मांगे हैं अब, और नहीं तो वैसे दे नहीं रहे थे। कोई दस्तावेज नहीं दे रहा, जांच भी अगर इनने करी है तो कोई दस्तावेज मुझे नहीं दी। और नहीं पप्पू सहरिया ग्राम पंचायत खामखड़ा। यहाँ पे सड़क का निर्माण किया गया, ये कब बनाया गया? ये साहब एक साल करीब हो गई, ये बन नहीं पा रही। एक साल से ऐसी पड़ी। हाल फिलहाल जो काम किया गया एक साल के अंदर कुछ डाला गया मलबा? जो मलबा डाला था और कुछ नहीं डाला। अधिकारी का पता नहीं साहब, मैं तो नंजे पंजे चढ़ाने जाता हूँ, आए एक नहीं आए आते हैं बस ऐसे चले जाते। अधूरी पड़ी साहब, पता है
अरे इसको साल भर हो चुकी है। अब जो तुम्हें अभी दिखा रही है बनी है? नहीं नहीं बनी ना। बस ऐसे ही छोड़ रहा है वो हुआ। ये इधर पानी भरा था इतना इतना सरपंच सिगरेट ही करे उसने क्यों ने ऐसा करवाया वो जाने हम क्या बताएं उससे बोलते बहुत हो रही है बहुत हो रही दिक्कत तो बहुत हो रही है सरपंच सिगरेट ही से बोलते तो बोलते जा दरखास्त कर दो रिपोर्ट कर दो क्या ना जो हमने कर दिया कर दिया ना वो ऐसे बोलते हैं वो सिगरेट भी बोलता है क्या कराएंगे कराएंगे सरपंच बोलता है कि दूसरा सरपंच आएगा भुगत देखेगा की भेंट चढ़ चुकी है ये सड़क और यहाँ पे रहवासी परेशान हैं। सरपंच का कहना है आने वाले सरपंच करेंगे इसका निर्माण। सेक्रेटरी का कहना है आगे उच्च अधिकारियों को दरखास्त दो जब जाके इसका निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे हम सामने ही घर देख रहे हैं बीते एक साल से परेशान करना पड़ रहा है। घर के सामने पानी भरा हुआ है यहाँ और भी लोगों की बड़ी समस्या है। इस तरह से देख रहे हैं सब लोग इकट्ठा है यहाँ और यहाँ लोगों के घर के सामने पानी भर जाता है जिसके कारण बड़ी समस्याएं होती है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खेलने वाले हैं इसको भी समस्याएं होती है। लोगों के किचन में पानी भर जाता है एक बड़ी समस्या से जूझती है जनता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है जो बड़े बड़े दावे करते हैं और उन दावों को हम देखते हुए यहाँ पर किस तरह से ग्रामीण जनता किस तरह से परेशान है। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं को लेकर किस तरह से जद्दोजहद कर रही है। यहाँ पीएचई विभाग के द्वारा ये पाइपलाइन का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पे पाइपलाइन भी डाली गई इससे पहले वाली जो पाइपलाइन थी वो बंद कर दी गई नई पाइपलाइन डाली गई। ग्रामीणों का कहना है पहले कम पानी आता था और ज्यादा पानी ज्यादा समय तक देने के आश्वासन के साथ नई पाइपलाइन डाली गई। यहाँ पे नई जो पाइपलाइन डाली गई है किस तरह से हम देख रहे हैं आगे पूरी उखड़ी पड़ी हुई है ना इसे मिट्टी में दबाया गया ना कोई गड्ढे में डाला गया और खुली पड़ी हुई है ये पाइपलाइन। हालांकि इनका कहना है कि अभी ये पाइपलाइन चालू नहीं की गई है मगर चालू होने से पहले ही ये क्षतिग्रस्त हो सकती है। पीएचई विभाग के भी तमाम दावे जिनका कहना है 2.5 फीट के गहरे गड्ढे से हम इस पाइपलाइन को लेके जाते हैं और लोगों के घर तक पहुंचाते हैं और आने वाले 2024 का दावा करते हैं पीएचई भी कि हम घर घर में नल पहुंचाएंगे जल पहुंचाएंगे और किस तरह से ये दावों की पोल खोलती हुई हमें खामखेड़ा ग्राम पंचायत में स्थिति दिख रही है। कैमरा